ठीक है, ओके। सो गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वाला जो लेक्चर है, आई थिंक ये वेलोसिटी एनालिसिस का जो वेक्टोरियल प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, वो उसका लास्ट लेक्चर होगा वेलोसिटी एनालिसिस का। और इसमें हम लोग जो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म है उसका एक स्पेशल केस होता है कि उसमें वेलोसिटी डायग्राम हम ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म में होता क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सिंपल ये हमारे पास एक लिंक होती थी, फिक्स लिंक जो भी है, और यहां पर एक ये ऐसे जाता था, यहां पर कपलर टाइप का रहता था, ये जो ऑसिलेट करती थी ये लिंक, और ये वाली जो लिंक थी आपकी फिक्स लिंक होती थी, ये बीच वाली लिंक फिक्स होती थी, और यहां पर एक स्लाइडर, हम मैंने बोला था कि स्लॉट कटा होता था, हालांकि स्लॉट के अंदर ये मूव करता है। अभी मैं सिंपल ये बता देता हूं कि ये मान लिया मेरे पास एक स्लाइडर था यहां, और यहां क्रैंक लगी होती थी, ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड होता है, तो यहां पर कटिंग टूल वगैरह लगा दिया जाता था, कटिंग टूल यहां लगा देते थे हम। सर शो नहीं हो रहा है, सिर्फ लिखा हुआ दिख रहा है, आप जो पेंसिल से बना रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक मिनट, जस्ट मिनट। तो देखो, इसमें मैंने आपको बताया अभी कि ये आपकी फिक्स लिंक थी ये वाली, ये आपका ऑसिलेटिंग लिंक थी जो इस तरीके से ऑसिलेट करती थी, ये आपका स्लाइडर बना दिया था, और ये आपकी क्रैंक बना दी है, ठीक है। और इसको हमने एक्सटेंड किया, और यहां पर एक कटिंग टूल जो लगाना था, वो कटिंग टूल हम यहां पर कटिंग टूल अपना लगा देंगे, जो भी कटिंग टूल हमें कटिंग करनी होती है, ये कटिंग टूल लगा दिया, और यहां पर आपका वर्कपीस वगैरह जो भी आपका वर्कपीस रखा होगा ये रख दिया वर्कपीस आपका, और ये फिक्स रहेगा वर्कपीस इस तरीके से फिक्स रहना। अब जब फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा तो ये कटिंग टूल क्या करेगा, यहां से इतना मटेरियल रिमूव कर देगा, ये इस तरीके से ऑपरेशन होता रहता है। अब इसमें आपको देखने वाली बात यह कि जब ये कटिंग ऑपरेशन होगा तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, अभी तक हमने ये देखा एक पर्टिकुलर पॉइंट था, अभी तक जो भी मैकेनिज्म हम लोगों ने एनालिसिस की थी, वो पॉइंट या तो उसके पास लीनियर मोशन था, या तो उसके पास लीनियर मोशन था जिसको ट्रांसलेशनल बोल सकते हो, या रोटरी मोशन था उसके पास, ठीक है, या तो उसके पास लीनियर मोशन था या उसके पास ट्रांसलेशनल मोशन था। जैसे अगर मैं स्लाइडर की बात करूं तो आपका स्लाइडर केवल और केवल स्लाइड कर सकता है, रोटेट नहीं करेगा वो, आपका स्लाइडर जो है अगर स्लाइडर है तो वो स्लाइड करेगा टू एंड फ्रो, इधर उधर स्लाइड करेगा, ठीक है। जबकि एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर क्रैंक की बात करेंगे तो क्रैंक पे आपके जो पॉइंट होंगे वो केवल और केवल रोटेट करेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसा कि मैं स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म की बात करता हूं, देखो रोटरी का मतलब होता है नाचना, कोई ऑब्जेक्ट केवल नाच रहा है, घूम रहा है, ठीक है, और लीनियर का मतलब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, जस्ट मूविंग। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो उस लाइन पर प्रेजेंट है जो घूम भी रही है, और साथ के साथ वो लीनियर मोशन भी उसके पास है, मतलब लीनियर मोशन भी है और रोटरी मोशन, जब दोनों मोशन उसके पास पॉसिबल होते हैं, दोनों मोशन उसके पास अवेलेबल रहते हैं, इन दैट केस वी विल बी हैविंग अ टफ सिचुएशन। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, तो उस वाले केस में वेलोसिटी डायग्राम ऐसे करेंगे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट नाच भी रहा है, नाचने का मतलब है घूम भी रहा है और साथ के साथ चल भी रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में वेलोसिटी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने क्या बोला आपको, दो पॉइंट है, इसमें क्या होगा, ये जो स्लाइडर आप देख रहे हो, ये स्लाइडर कुछ इस तरीके से होगा, मैं आपको सिंपल इसका फ्रंट डायग्राम बना देता हूं, फ्रंट सामने से बताता हूं कि ये जो स्लाइडर है वो ना स्लाइडर कुछ इस तरीके से है। अगर इस तरह एक तरफ से देखोगे तो यहां पर तो है, बीच में ये आपका स्लाइडर रहेगा, इसके पीछे बॉक्स रहेगा इस तरीके से, एक मिनट कहीं और बनाता हूं इसको, जस्ट मिनट, ये आपका स्लाइडर इस तरीके से है, इस तरीके का कुछ पॉइंट बना हुआ है इसमें, और इसके बीच में ना एक होल हो रहा है, क्या हो रहा है, होल, ये होल आर पार है इसके, समझ में आ रहा है, ये जो होल है मतलब इसके आर पार है, और इसके अंदर से ये वाली लिंक जा रही है, इसके अंदर से ये जो ये बड़ी वाली लिंक है ना, वो इसके अंदर से जा रही है, ये वाली लिंक जो बड़ी वाली लिंक है वो इसके अंदर से जा रही है, इसके अंदर से पार हो रही है, लाइक दिस, इस तरीके से।
तो क्या होगा, जब ये स्लाइडर घूमेगा तो इसके और इसके बीच में, ये वाला रेड वाली लाइन दिख रही है और इस अंदर स्लाइडर के बीच में, एक स्लाइडिंग मोशन होगा कि नहीं होगा? तो कुछ इस तरीके का मोशन यहाँ पर जी अवेलेबल सर। है। अब हम क्या करेंगे, जब इसकी एनालिसिस देखेंगे तो आप क्या करोगे, ये क्या देखेंगे हम इसमें, ये चीज देखेंगे कि ये जो स्लाइडर है, एक पॉइंट तो हम स्लाइडर के ऊपर माना है, स्लाइडर पर माना है, और उस जस्ट नीचे, मतलब एक तो स्लाइडर पर पॉइंट होगा, मैंने पी मान लिया, स्लाइडर पर जो पॉइंट मानूंगा मैं पी ऑन द स्लाइडर, पी इज अ पॉइंट ऑन द स्लाइडर, जो आपका स्लाइडर है उस स्लाइडर पर पॉइंट है, और जो एक पॉइंट क्यू है वो पी पॉइंट के जस्ट नीचे है, पी पॉइंट के जस्ट नीचे है, मतलब इस वाली लाइन पर है, रेड वाली लाइन यहां पर जो देख रहे हो, इस लिंक पर है आपका पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू ऑन द लिंक, पॉइंट क्यू उस लिंक पर है। तो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट एक दूसरे के नीचे हैं। अब होगा क्या, होगा क्या कि मैंने आपको बोला कि जब ये क्रैंक घूमेगी, जब ये क्रैंक जो है, ये क्रैंक जब घूमेगी ना, ये वाली इस तरीके से घूमेगी, ठीक है, जब ये इस तरीके से घूमेगी तो आप क्या होगा, जो स्लाइडर है आपका वो स्लाइडर किधर मूव करेगा, स्लाइडर कहां मूव करेगा, या तो इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा, है ना, बताओ करेगा कि नहीं करेगा, आपका स्लाइडर क्या है, जब ये घूमेगी तो ये स्लाइडर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं भाई, पॉइंट जो क्यू है, क्यू पॉइंट किस पर है, लिंक पर है, क्या जो लिंक, ये वाली लिंक जो देख रहे हो, ये वाली बड़ी वाली लिंक, ठीक है, जो ऑसिलेट करेगी यहां पे, ऑसिलेटिंग जो लिंक है, क्या आप मुझे बताइए, क्या ऑसिलेटिंग लिंक जो है उस पर पॉइंट क्यू जो है, क्या क्यू पॉइंट की लोकेशन चेंज होगी क्या, नहीं, क्यू पॉइंट जो लिंक पर है वो अपनी पोजिशन पर रहेगा या नहीं रहेगा, बस बताइए जरा, क्यू पॉइंट तो अपने पॉइंट पे रहेगा, अगर ये वाली लिंक मैंने मानी, ये वाली लिंक जो है इसको मैं इधर बना देता हूँ, ये वाली लिंक थी, यहां बना देता हूँ, ये वाली लिंक थी आपकी, ठीक है, ये जो लिंक है, इसको लिंक को मैंने यहां बना दिया है, इस लिंक को मैंने यहां बना दिया है, ठीक है, इस वाली लिंक को, तो यहां पर इस पर पॉइंट क्यू जो था वो क्यू पॉइंट इस लिंक पर ही रहेगा, इसकी पोजिशन तो चेंज नहीं होगी, लेकिन जो पॉइंट पी है वो पॉइंट पी हमने किस पर माना है, स्लाइडर पे, पॉइंट पी स्लाइडर पे माना है नहीं माना है, तो जो पॉइंट पी होगा वो पॉइंट पी क्यू के रेस्पेक्ट में इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, जा रहा है कि नहीं जा रहा है बताइए, पी पॉइंट, हाँ पी पॉइंट स्लाइडर पे रहेगा, और स्लाइडर आपका क्या कर रहा है, उस लिंक के अलोंग ही तो मूव कर रहा है, साथ के साथ क्या होगा, आप ये देख रहे हो ये स्लाइडर जो है वो स्लाइड तो कर रहा है, साथ के साथ आप देखो जब ये लिंक क्रैंक, लिंक जो आपकी क्रैंक है वो जब घूमेगी तो आपका स्लाइडर भी तो यहां पहुंच जाएगा, आपका स्लाइडर न्यू पोजीशन एक्वायर करेगा कि नहीं करेगा, ये मैं मान लिया कि नई पोजीशन है आपकी, जस्ट मैंने ये मान लिया कि नई पोजीशन है, इधर पहुंच गया आपका स्लाइडर, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो स्लाइडर होगा आपका, ये स्लाइडर यहां नहीं पहुंच जाएगा, बताओ आपका स्लाइडर यहां पहुंच जाएगा राइट साइड में, और पॉइंट पी तो यहां, क्यू पॉइंट तो यहां रह गया और पी पॉइंट आगे की ओर मूव कर गया, क्योंकि क्यू पॉइंट स्लाइडर पे, तो आप क्या देख रहे हो कि जो पॉइंट क्यू है, सॉरी पॉइंट पी है, वो घूम भी रहा है, देखो पॉइंट पी था तो यहां से यहां टर्न हो गए, तो पॉइंट आपका टर्न भी कर रहा है, मतलब रोटरी मोशन भी है, साथ के साथ उसके पास लीनियर मोशन भी है, तो ऐसे केस में हम वेलोसिटी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, वो आपका केस है, ठीक है, इज इट क्लियर, जब कोई ऑब्जेक्ट आपका टर्न भी कर रहा है साथ के साथ उसके पास लीनियर मोशन भी है और रोटरी मोशन है, तो उस केस में आप वेलोसिटी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, और जब इसकी एक्सेलरेशन एनालिसिस करेंगे, जब इसकी एक्सेलरेशन एनालिसिस होगी, एक्सेलरेशन एनालिसिस होगी, तो एक्सेलरेशन एनालिसिस में एक नया कंपोनेंट आता है एक्सेलरेशन का, यहां पर जिसको बोलते हैं हम कोरियोलिस, कोरियोलिस एक्सेलरेशन, सी ओ आर आई ओ एल आई एस, कोरियोलिस एक्सेलरेशन, ठीक है, ये नया टर्म आप लोग सुन रहे होंगे, एक्सेलरेशन बहुत देखे होंगे कि लिनियर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, लेकिन एक नया एक्सेलरेशन और आपको मिला, कोरियोलिस एक्सेलरेशन, कोरियोलिस एक्सेलरेशन तब रोल प्ले करता है जब कोई ऑब्जेक्ट, जब किसी पॉइंट के पास वो लिनियर मोशन भी उसके पास अवेलेबल होता है और साथ के साथ रोटरी मोशन भी उसके पास अवेलेबल होता है, इन दैट केस कोरियोलिस एक्सेलरेशन डेवलप। इसकी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, इसीलिए जब हम एक्सेलरेशन एनालिसिस करेंगे तो उस टाइम पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास रहेगा, ठीक है, चलिए अब इसकी एनालिसिस, हाँ बोलो सर, इसका एग्जाम्पल रेलवे का ट्रैक बोल सकते हैं, किसका एग्जाम्पल, जो रेलवे की, ये जो रेलवे का सर वो होता है
टायर्स होते घूमते उनके साथ जुड़े होते, पहले स्टीम इंजन के टाइम पे वो पहले सर लीनियर फिर रोटेटरी मोशन तो करते हैं। नहीं वो तो अलग कन्वर्जन है, एक पर्टिकुलर लिंक जो घूम भी रही है और टर्न भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है आपकी, जैसे आप कपलर था कनेक्टिंग रॉड में जो आपका कपलर था उसके पास पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसमें क्रैंक एंड स्लॉटर लीवर मैकेनिज्म में ज्यादातर इसका रोल प्ले होता है। तो देखो हमने इसमें क्या किया है, हमने ये वाला डायग्राम देखो, ये डायग्राम है ठीक है। अब इसमें ये आपकी ओ ए, ये आपकी फिक्स लिंक है ठीक है, और ओ पी, पी पॉइंट जो है मैंने स्लाइडर पर माना है, और क्यू लिंक, क्यू पॉइंट जो माना है इस लिंक ए आर पर मान लिया है, ये आपका स्लाइडर हो जाएगा। तो और ये आपकी स्लाइडर, इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट पॉइंट ओ, ओ आपकी फिक्स लिंक हो जाएगी, और ए आर आपकी एक तरीके से ऑसिलेटिंग लिंक होगी जो इस तरीके से ऑसिलेट करेगी जैसे कि आपकी लोकेशन इसमें दिखाई गई है ठीक है। अब इसका वेलोसिटी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हमने क्या माना है, इसका वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, इसका यहां पे वेलोसिटी डायग्राम केवल नीचे ड्रॉ किया गया है, यहां बता दिया गया ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं आपको यहां समझा देता हूं आपको कि नीचे वाला डायग्राम आया कैसे है। सबसे पहले मैंने आपसे बोला क्या है प्रोसीजर, आपने देखा कि जो आपकी क्रैंक है, दिस क्रैंक दैट इज ओ ए सॉरी ओपी, ओपी जो आपकी क्रैंक है ओपी, ये आपकी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो आप बताइए वेलोसिटी वेक्टर किस तरफ जाएंगे, वेलोसिटी वेक्टर सारे लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे, टेल मी। राइट में, राइट में जाएंगे, तो हमें जितने भी फिक्स पॉइंट होंगे वो लेफ्ट में मानने पड़ेंगे ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि ये हमारे फिक्स पॉइंट है सारे, इस पॉइंट पे लेफ्ट में मान लेता हूं। तो आपके फिक्स पॉइंट कौन है, एक तो स्मॉल ओ हो गया, इसके साथ साथ स्मॉल ए हो गया, और जी पॉइंट हो गया ना, जी यहां पे फिक्स है तो जी भी मान लेते हैं, सही है। अब क्या क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, वो पॉइंट जिसकी वेलोसिटी हमें अच्छे तरीके से पता है, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू ओ, ये क्लियरली पता है, क्या होगा ये, इसका ओमेगा ओपी हो जाएगा और इंटू ओपी, ओपी इंटू ओमेगा ओपी, इंटू ओमेगा ओपी, ये ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो ये लिंक जो है ओपी लिंक है वो टर्न कर रही है क्लॉकवाइज में, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर कैसे जाएगा, ओपी के परपेंडिकुलर, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ओपी हो जाएगी, और सेंस क्या हो जाएगा, ये लिंक आपका ये वेक्टर कुछ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से जाएगा ना भाई, ओपी ये है, ओपी का परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से जाएगी, जी सर, ये 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में 90 बन गया कि नहीं बन गया। तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर खींचेंगे जो कि ओपी के परपेंडिकुलर होगा, और ये वेक्टर कुछ इस तरीके से जा रहा है, मैंने यहां पर आपको वेक्टर ये वाला वेक्टर खींच दिया, ड्रॉ कर दिया ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक। यहां पर कौन सा पॉइंट आपको मिल जाएगा, no, sir. ये कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट नंबर पी, स्मॉल पी मिल जाएगा आपको। अब अगला स्टेप क्या है आपका, ये जो पॉइंट क्यू है, इस पी के नीचे क्यू भी है कि नहीं है, बताइए। यस सर है। हाँ अब ये बताइए, क्यू पॉइंट जो आपका क्यू पॉइंट है वो पी के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, या ये मान सकते हैं क्यू पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है या पी पॉइंट क्यू के रेस्पेक्ट में। मतलब सिंपल एक बात समझ लो, जैसे ये कोई लिंक मैंने मान ली, ये वाली लिंक है आपकी, इस पर पी पॉइंट भी है क्यू पॉइंट भी है। देखो बात मैंने आपको ये बताया कि जो पॉइंट क्यू होगा वो तो फिक्स रहेगा, पी पॉइंट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ठीक है, ये इस लिंक पर ये कोई पॉइंट तो फिक्स रहेगा, लेकिन पी पॉइंट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, मैं जब बात कर रहा हूं पी के रेस्पेक्ट में क्यू का मोशन, तो पी के रेस्पेक्ट में जो क्यू होगा वो या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बताइए। यस सर। है ना, और या उल्टा भी बोल सकता हूं, जैसे मैंने बोला कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए मान लिया, एक ऑब्जेक्ट बी मान लिया ठीक है। अब मैंने आपसे बोला ए के बी के रेस्पेक्ट में पॉइंट ए जो है वो राइट में जा रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये ए की वेलोसिटी इधर है ठीक है, तो मैंने क्या बोला बी की अगर बात करेंगे तो बी के रेस्पेक्ट में ए पॉइंट किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, राइट में जा रहा है।
तो आप मुझे बताओ, ए के रेस्पेक्ट में बी पॉइंट किधर जाएगा? लेफ्ट में जाएगा कि नहीं? उल्टा हो जाएगा ना, बोलो। यस सर, यस सर। जैसे अगर मैं आगे आगे मूव कर रहा हूँ 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप 80 किलोमीटर की स्पीड से आगे जा रहे हो, ठीक है, ग्राउंड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि तुम्हारे रेस्पेक्ट में वो वाला पॉइंट 80 किलोमीटर की स्पीड से पीछे जा रहा है, ये भी तो बोल सकते हैं ना। तो बस वही कंसेप्ट यहाँ पर है, वही कंसेप्ट यहाँ पर है। मैंने बोला कि पी पॉइंट मूव कर रहा है दूसरा। बस, हाँ, अगर एक जाएगा तो दूसरा पीछे जाएगा। अब मैंने देखा कि पी पॉइंट की वेलोसिटी क्यू के रेस्पेक्ट में देखनी थी, अब क्योंकि मैंने पी पहले ही मार्क कर लिया है, अब हम क्यू पॉइंट की वेलोसिटी पी के रेस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि पी पॉइंट हमें मिल चुका है। पी पॉइंट हमें मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है? तो हम क्या करेंगे, अगला जो हमारा स्टेप होगा, कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू विद रेस्पेक्ट टू पी, पी के रेस्पेक्ट में क्यू पॉइंट की वेलोसिटी हम चेक करेंगे। तो क्या मैग्नीट्यूड बताइए, पता चल जाएगा हमें मैग्नीट्यूड, पी का मोशन क्यू के रेस्पेक्ट में कैसा हो रहा है, बताइए, लीनियर मोशन हो रहा है या टर्निंग मोशन हो रहा है, टेल। लीनियर लीनियर मोशन हो रहा है, तो भाई ओमेगा तो इसमें, लीनियर हो रहा है। हाँ, ओमेगा तो आएगा नहीं यहां पर। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन कैसी होगी, इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है, डायरेक्शन कैसी होगी? पैरेलल होगी सर, पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल पैरेलल किसके होगी? टू एआर। ए आर लिंक के पैरेलल होगी। भाई पॉइंट क्यू जो होगा वो इस लिंक पर ही रहेगा, और पी पॉइंट जो कि स्लाइडर पर है, भाई स्लाइडर इस लिंक को छोड़ करके कहीं और थोड़ी ना स्लाइड करेगा, करेगा तो इसी लिंक पर स्लाइड। इसीलिए जो पॉइंट पी और क्यू के बीच में मोशन होगा, रिलेटिव मोशन, वो इस लाइन के पैरेलल होगा, ओ ए के पैरेलल, ठीक है। तो ओ ए के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, किस पॉइंट से जाती हुई, पी से जाती हुई। तो हमें ये नहीं पता है कि ये जो पॉइंट क्यू है पी के रेस्पेक्ट में नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, इसीलिए हम पी पॉइंट को बेस मानेंगे और पी के ऊपर एक लाइन खींच देंगे, नीचे खींच देंगे, जस्ट इसके पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इसके जस्ट पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट, अब क्यू पॉइंट की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में देख लें। हाँ जी, अगला स्टेप क्या होगा, क्यू पॉइंट की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में चेक कर लें, यही तो होगा अगला स्टेप। तो कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा? अब अगर ए क्यू की बात करेंगे तो ये एक लिंक पर है और जो कि टर्न कर रही है, तो इसके क्या हो जाएगा, ओमेगा ऑफ लिंक ए आर, ए आर लिंक का ओमेगा इनटू द डिस्टेंस ए आर, ये हो जाएगा ओमेगा। ए आर पता है, नहीं पता है, एक कैपिटल ए आर तो पता है, लेकिन हमें इसकी डायरेक्शन पता होगी, कैसी होगी डायरेक्शन बताइए, इस वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी पॉइंट क्यू विद रेस्पेक्ट टू ए। रोटेटरी टर्निंग नॉर्मल या पैरेलल, परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर एआर, एआर के परपेंडिकुलर हो जाएगी, एआर एआर के परपेंडिकुलर, मतलब कुछ वेलोसिटी वेक्टर ऐसे जाएगा ना। अब ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, हमें पता नहीं है ना, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, ए को बेस मान के, क्योंकि क्यू की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में मान रहे हैं, तो ए के रेस्पेक्ट में क्यू की वेलोसिटी तो देख लेंगे, ए से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कहाँ है आपका ए, ए ये रहा, इसके रेस्पेक्ट में इसके परपेंडिकुलर लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, इधर भी जाएगी पीछे जाएगी। अब क्योंकि यहां पर जैसे ही दोनों पॉइंट हमें कटे कटे हुए मिल जाएंगे, इंटरसेक्शन जहां पर होगा वो पॉइंट हमारा कौन सा मिल जाएगा बताइए, ये पॉइंट कौन सा मिलेगा, पॉइंट नंबर क्यू मिल जाएगा। अब क्यू क्यू के बारे में सारी नॉलेज हो जाएगी, इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं आप, यहां से यहां तक का वेक्टर को मेजर करेंगे, वो आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी, स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्यू है, और आप देख रहे हो जो पॉइंट आर है ना, वो आर पॉइंट इस ए क्यू लिंक को एक्सटेंड करने पर मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताइए। हाँ जी, yes, sir. तो इस आर की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बताओ आप, इस आर पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, बोलो। चेक
सर क्यू आर की वेलोसिटी निकाल लेंगे सर, ए आर फिर उसमें ए क्यू ऐड कर देंगे सर। कैसे क्यू आर कैसे पता करेगा भाई, क्यू आर कैसे पता करेंगे हम, हमें तो वही तो प्रॉब्लम है कि क्यू आर कैसे पता करेंगे, आर की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम ए के रेस्पेक्ट में, न्यूमेरिकल लास्ट टाइम कराया था याद है कि नहीं? यस सर। हाँ स्लाइडर वाला, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन वाला एक न्यूमेरिकल था जिसमें क्रैंक कनेक्टिंग रॉड को हमने एक्सटेंड किया हुआ था, कैसे निकालते हैं एक्सटेंडिंग पॉइंट का, वेलोसिटी रेशियो थ्योरम लगाएंगे ना। यस सर। तो क्या होगा, ए आर पता है मतलब ए ए क्यू अपॉन ए आर, सही है, ए क्यू पता है ए आर पता है, और यहाँ पर आप स्मॉल लगा देंगे बस, स्मॉल ए क्यू अपॉन स्मॉल ए आर, ये कैपिटल डिस्टेंस बता दी होगी, ये भी डिस्टेंस बता दी होगी कितनी है, ठीक है, और ए क्यू, ए क्यू यहां से यहां तक मेजर करोगे पता चल जाएगा, ए आर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं आप, निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस आएगी अब sir. अब ये कहां से कहां तक की डिस्टेंस आएगी, ए से आर के बीच की डिस्टेंस, ए पॉइंट ये रहा, आर पॉइंट यहां कहीं आएगा भाई, एक्सटेंशन है तो इसकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी भाई, इसका कोई ना कोई ओमेगा होगा इस वाली लिंक का, ओमेगा ए आर मिलेगा यहां पे, अब क्योंकि ये क्यू पॉइंट जब टर्न करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ए क्यू इंटू ओमेगा, और इसकी वेलोसिटी ए आर इंटू ओमेगा, ओमेगा ए आर, कैपिटल ए आर की वैल्यू तो बड़ी होगी ना ए आर से, इसलिए ये वाला पॉइंट यहां कहीं लाई करेगा, आर पॉइंट यहां आएगा नहीं आएगा बताओ, बोलिए आएगा या नहीं, yes, sir, आएगा, जो पॉइंट yes, टर्न करेगा जितना दूर होगा उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा उतना ही ज्यादा होगा ना, ओमेगा क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ये तो होता है ना वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, अब ओमेगा तो फिक्स रहेगा इस वाली लिंक का, और आर जितना ज्यादा होता जाएगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी जितनी ज्यादा सॉरी रेडियस जितनी ज्यादा होगी उतनी उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी, आर तक समझ में आ गया, अब जो आपका एस पॉइंट है ये वाला स्लाइडर पॉइंट है स्लाइडिंग पॉइंट, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, अब देखो जो आपका स्लाइडिंग पॉइंट है एस, उसकी वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, आर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आर हमारे पास पॉइंट अवेलेबल है, तो अगला स्टेप होगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एस, एस जो आपका टूल है आर के रेस्पेक्ट में कैसी होगी भाई, ये क्या है एक लिंक है एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए आर एस इनटू डिस्टेंस आर एस, ठीक है ये सही हो जाएगा, आर एस हो जाएगा, yes, sir. Yes, sir. तो आर एस अब देखो इसकी, ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन बताओ, परपेंडिकुलर टू आर एस, परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक है, सेंस पता नहीं है इसीलिए हमें ये नहीं पता वेक्टर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा नीचे जाएगा ये नहीं पता है हमें, ठीक है चलिए अब देख लेंगे कि ये मैग्नीट्यूड कितनी लंबी लाइन जाएगी ये भी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में एस की वेलोसिटी निकालनी है तो आर से स्टार्ट करेंगे, और एस के परपेंडिकुलर लाइन कैसी होगी, कुछ इस तरीके से जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ, ऐसे जाएगी ना, ये 90 डिग्री बनना है देखो इन दोनों के बीच में, ये 90 बनना है ना लिंक के परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या करेंगे इसके परपेंडिकुलर लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से ऊपर भी खींच दिया और नीचे भी खींच दिया, ठीक है बताइए सही है यहां तक, यस सर। चलिए अगला स्टेप क्या होगा, अब एस की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में और रह गई है, यहाँ पे पॉइंट कौन सा था ग्राउंड था ना जी, ग्राउंड था जी के रेस्पेक्ट में निकालनी है, तो आप क्या करोगे अगला स्टेप होगा कैलकुलेटिंग वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एस विद रेस्पेक्ट टू जी, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्लाइडर है भाई कटिंग टूल स्लाइड करेगा ना इस तरीके से, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी एंगुलर तो होगा नहीं इसमें, और जो कैसी होगी पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल जी, जी सरफेस के पैरेलल हो जाएगी, तो जी सरफेस के पैरेलल लाइन हम एक ड्रॉ कर देंगे, कहां से जी से जाती हुई, तो जी से जाती हुई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जी सरफेस से, और वो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, और ये लाइन जहां पर भी कट करेगी वो पॉइंट आपका कौन सा मिल जाएगा आपको पॉइंट नंबर एस, तो कटिंग टूल की वेलोसिटी अगर आपसे पूछी जाती है कि आपका जो स्लाइडर है
वो इस टाइम पर किस वेलोसिटी से मटेरियल को कट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, यहां से ये फिक्स पॉइंट है और यहां से यहां तक का वेक्टर मेजर करना है, स्केल से मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इट क्लियर हाउ टू ड्रॉ द वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम। अब देखो ये जो डायग्राम हमारे पास आया है वही डायग्राम नीचे आपको मिलेगा, देखो ये, देखो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से ही बना है। देखो समझ में आ गया डायग्राम के नहीं, ये वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम है उसका। तो कटिंग टूल की वेलोसिटी अगर आपसे पूछी जाएगी तो यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ मेजर करोगे, स्केल से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलिए तो इसका एक न्यूमेरिकल है वो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, बाकी प्रोसीजर मैंने बता दिया किस किस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। यू कैन इजीली ड्रॉ द वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम, ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, ये सारा डेटा आपके पास अवेलेबल रहेगा, ये न्यूमेरिकल आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। ठीक है, चलिए तो यहां पर वेलोसिटी एनालिसिस जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। अब जो आपका अगला मेथड है वो है आई सेंटर मेथड। ठीक है, आई सेंटर मेथड जानने से पहले आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आई सेंटर से क्वेश्चन आते हैं भाई, और गेट में जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो आई सेंटर मेथड से करोगे। ओके, अगर गेट में आपको वेलोसिटी वेक्टर वाले, अगर वेलोसिटी कैलकुलेशन के कोई भी क्वेश्चन आते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आता है वेलोसिटी कैलकुलेशन का, यू विल नॉट बी यूजिंग ग्राफिकल मेथड, आपको ये वाला मेथड यूज करना है, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी वाला नहीं करना, आपको आई सेंटर मेथड करना है। ठीक है, कौन सा मेथड करना है, आई सेंटर मेथड करना है। ठीक है, चलिए अब आई सेंटर होता क्या है, इंस्टेंटेनियस सेंटर को हम शॉर्ट में आई सेंटर बोलते हैं, आई सेंटर, इंस्टेंटेनियस सेंटर। CNTRE होता है सेंटर, ठीक है, CNTRE भी लिखते हैं लेकिन CNTRE होता है सेंटर यहां पे। तो आई सेंटर क्या होता है सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखो आई सेंटर क्या होता है, आप मुझे ये बताइए कि अगर जब भी आप टर्न करते हैं कहीं पे भी रोड व्हीकल पे, जब भी मोड़ आता है तो उस मोड़ पे क्या होता है, जब आप टर्न करेंगे तो टर्न करते टाइम क्या होता है, सपोज दिस इज योर व्हीकल और ये कोई रोड है, इस रोड पे आप टर्न कर रहे हो, तो टर्न करते आप यहां टर्न करोगे तो आप क्या देखोगे कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऐसा होगा जहां पर आपका जो व्हीकल है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट टर्न कर रहा होगा, कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इसको जनरली बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ठीक है, दिस इज योर आई सेंटर, मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपका जो व्हीकल है इस पॉइंट के अबाउट टर्न कर रहा है। ठीक है, अब अगले क्षण पे हो सकता है कि ये आई सेंटर चेंज हो जाए, अगले क्षण पे चेंज हो जाएगा, अगले पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चेंज हो सकता है आई सेंटर। सबसे पहले मैं बता देता हूं, ये आई सेंटर जो है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, आई सेंटर नया टॉपिक है तो इसको अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है,